अब बेहतरीन क्लासेस की तलाश में हुई आसानी, क्योंकि भिवंडी में ही विजन इंस्टीट्यूट जैसी बेस्ट एक्सपीरियंस क्लासेस मौजूद हैं। धामनका नाके पर विजन इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर इस साल कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतरीन रिजल्ट लाए हैं। यहाँ पर 11वीं 12वीं साइंस, कॉमर्स, नीट, जेईई, सीए, फाउंडेशन जैसे कोर्सेज की क्लास दी जाती है। नीट और जेईई के स्पेशल बैचेस बनाकर पूरी तरह कोटा के पैटर्न से यहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ बच्चों के लिए एसी क्लासरूम्स, सीसीटीवी, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, डेली डाउट लेक्चर्स और वीकली टेस्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। भिवंडी की खराब सड़कें, ट्रैफिक और गंदगी लोगों की परेशानियों का मुख्य कारण बन चुकी है। यहाँ रेजिडेंशियल इलाकों की हालत इतनी खराब है कि लोगों के लिए आना जाना भी दुश्वार हो गया है। ये तस्वीरें वार्ड नंबर 4 मौलाना आजाद नगर की है, जहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं, सिर्फ गड्ढे और उनमें भरा हुआ पानी ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सेप्टेम्बर के आखिर या 10 अक्टूबर तक हो सकती है मानसून की वापसी। वेदर डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्शन की है कि पूरे महाराष्ट्र में सितंबर के आखिर में नॉर्मल बारिश की संभावना है। भिवंडी शहर में जगह जगह गैर कानूनी तौर पर बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। शहर की तकरीबन हर गली, चौराहे, बिजली के खंभे जैसी जगहों पर तरह तरह के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनकी शिकायत नागरिकों द्वारा कॉरपोरेशन में की गई है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सारा इल्लीगल बैनर लाइसेंस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से लगा हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की सरबराही वाले माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट रिजर्वेशन यानी जीआर जारी करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को राज्य के मुसलमानों के एजुकेशनल, फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये जीआर जारी कर दिया गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला खुद सीएम एकनाथ शिंदे करेंगे। इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेने यानी अकाउंट वेरीफाई करने के चक्कर में एक्ट्रेस नुपुर जोशी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई हैं, जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। नुपुर जोशी, जो टीवी सीरियल्स में कई सालों से काम कर रही हैं, उन्हें इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए मेल आता है, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, जिसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि किसी ने उनके साथ धोखा किया है। भिवंडी के वार्ड नंबर 2 में पूर्व नगर सेवक अहमद हुसैन सिद्दीकी ने 50 लाख रुपए की निधि से इलाके में पेवर ब्लॉक और गटर का काम करवाया है और हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले इस इलाके में कुछ पॉलिटिकल मेंबर्स ने कहा था कि यहां लोग डर कर उन्हें वोट देते हैं। इस स्टेटमेंट का जवाब अहमद सिद्दीकी ने दिया है, जिस पर पूरी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हमारी टीम लाइफ इन भिवंडी 3 बत्ती पहुंची थी, जहां ठेला गाड़ी वाले ने बात करते हुए बताया कि भिवंडी कॉरपोरेशन वर्कर्स हर दूसरे दिन वहां पहुंचकर गरीबों का ठेला तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां ठेला गाड़ी लगा रहे लोगों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए वहां के लोगों ने कॉरपोरेशन से हॉकर जोन की मांग की है। भिवंडी में पिछले कुछ दिनों से महानगरपालिका अवैध इमारतों के निर्माण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कॉरपोरेशन कमिश्नर विजय महासाल के ऑर्डर के मुताबिक कॉरपोरेशन वर्कर्स ने अब तक कई गैर कानूनी तौर पर हो रहे कंस्ट्रक्शन के खिलाफ तोड़क कार्रवाई की है और शहर के अलग अलग हिस्सों से टोटल 5 लोगों पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। भिवंडी में लगातार बिजली चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर कई बार टोरेंट कंपनी ने कार्रवाई भी की है और अब भी टोरेंट कंपनी अलग अलग इलाकों में छापे मार रही है। इसी दौरान शांति नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत टोरेंट पावर ने एक शख्स पर 5 लाख रुपए की बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है, जिसकी जाँच की जा रही है। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।